सभी श्रोताओं को स्पर्शता श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुंग एवं कण्व शासन के बारे में। दोनों के शासनकाल को उत्तर मौर्य युग में महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रय था। वृहद्रय को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मार दिया था और मौर्य वंश का अंत हुआ। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र ने सिंहासन पर बैठकर मगध पर शुंग वंश के शासन का आरंभ किया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, किंतु उत्तर वंश के शासकों ने इसे स्थानांतरित करके विदिशा कर दिया था। शुंग वंश सातवाहन पांड्य चोल राजवंश के समकालीन था। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना, जो कि कालिदास की महान रचना मालविका अग्निमित्रम का नायक भी था। शुंग साम्राज्य नर्मदा के किनारे था और इसके अंतर्गत आधुनिक बिहार, संयुक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि आते थे। कलिंग के राजा खारवेल, पंजाब और काबुल के यवन राजा मिनांडर ने शुंग राज्य पर कई बार चढ़ाइयाँ की, पर वे हटा दिए गए। यवनों का प्रसिद्ध आक्रमण साकेत यानी अभी के अयोध्या पर हुआ था। यह आक्रमण पुष्यमित्र के ही राजत्व काल में हुआ था। पुष्यमित्र के समय का एक शिलालेख अभी हाल में ही अयोध्या में मिला है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। पुष्यमित्र अयोध्या में कभी कभी रहता था, जो कि उस समय का एक समृद्धशाली नगर माना जाता था। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा को परास्त करके दक्षिण में वर्धा नदी तक अपने पिता का विस्तार बढ़ाया। शुंग वंश के समय में वैदिक या ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ और बौद्ध धर्म का प्रचार थोड़ा कम होने लगा। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव कण्व द्वारा 73 ईसा पूर्व में हुई। इस प्रकार शुंग वंश की समाप्ति एवं कण्व वंश की स्थापना हुई। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कण्व वंश की, तो ये शासन शुंग के बाद मगध का शासनकर्ता वंश था। ये जाति से मूलतः ब्राह्मण थे तथा कण्व ऋषि के वंशज माने जाते थे। वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था, वह एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का ध्वंसावशेष ही था। इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लांग कर शक आक्रांता बड़े वेग से भारत पर आक्रमण कर रहे थे, जिनके कारण मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से निकल गए थे। उनका राज पाटलिपुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। कण्व वंश में कुल 4 ही राजा हुए थे, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण एवं सुशर्मा। इन 4 राजाओं ने मिलकर 45 वर्ष तक राज्य किया। कण्वों के बाद जब आंध्रों के मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लेने का उल्लेख आता है, तो ये लिखा गया है कि उन्होंने कण्व को परास्त कर शक्ति प्राप्त की। और जिन आंध्रों ने कण्व को परास्त कर शक्ति प्राप्त की, पिछली बार हमने उनके बारे में बात की थी, यानी सातवाहन राजवंश के बारे में। दोस्तों, अगर हम कण्व वंश की संस्कृति के बारे में बात करें, तो वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, उसे कण्व वंश ने जारी रखी। पुराणों में एक स्थान पर कण्व राजाओं के लिए प्रणव सामंत विशेषण भी दिया जाता है, जिससे यह सूचित होता है कि कण्व राजा ने अन्य राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने में भी सफलता प्राप्त की थी। कण्व वंश का साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया था। इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को लगभग 28 ईसा पूर्व में सातवाहन यानी आंध्र वंश के संस्थापक सिमुक ने मार डाला था और इसके साथ ही कण्व वंश का अंत हो गया। दोस्तों, आज के लिए इतिहास में बस इतना ही। दीजिए स्पर्शता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।